सभी जनता को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और आज खरना है और सारे पार्वती जो है गंगा घाट पे जाती हैं और आज पूजा करती हैं और सभी लोग मिलके एक साथ पर्व अच्छा से मनाएं और खुशी खुशी मनाएं और छठी मैया का सबकी कृपा इसी तरह बना रहे और आगे भी इसी तरह बना के रखे। सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ पूरे दानापुर नगर परिषद को। आज खरना है और सभी पर्व जो भी पर्व किए हुए हैं पूरे श्रद्धालुओं को और पूरे दानापुर नगर वासियों को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और सभी जितने भी घाट हैं सभी का मैं आज निरीक्षण कर रही हूँ। सभी को देख रेख करते हुए साफ सफाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबको देखते हुए आगे का कार्यक्रम जो है उसको आगे देख रहा है और जो भी दिक्कत है उसको हम तैयारी पूरी कर ली जाए। आज खरना है और छठ घाटों को लेकर किस तरह की तैयारी हो चुकी है, क्या कुछ कमियां बाकी है? आज हमारी नगर अध्यक्ष कन्या शिव कुमारी जी द्वारा सभी घाटों का निरीक्षण किया गया है। शाहपुर घाट, नारियल घाट, राजपुताना घाट और नासिरगंज घाट का सारी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। नगर परिषद साफ सफाई और छठपुटियों को कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े इसलिए संकल्पित है। माननीय अध्यक्ष द्वारा हम लोग को निर्देश दिया गया है कि सारी सुविधाएं जो है प्रवृत्तियों को दिया जाए। नगर परिषद पूरी तत्परता से काम कर रहा है, जो छूटे हुए काम है आज हम शाम तक कर देंगे। गंगा नदी की जो साफ सफाई है वो भी हम लोग करा रहे हैं और प्रवृत्तियों को सुविधाएँ पानी की व्यवस्था हम लोग करेंगे यहाँ और रोशनी और लाइट और कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और हम लोग माननीय अध्यक्ष के निर्देश के आलोक में हम लोग अच्छी से तैयारी कर रहे हैं और हर साल की भांति इस साल भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग चैती छठ मनाएंगे। सर, खतरनाक घाटों की सूची भी निर्गत कर दी गई? खतरनाक घाट हम लोग मात्र चार ही घाटों पर करा रहे हैं, बाकी को हम लोग खतरनाक घाटों की श्रेणी में रखे हैं। वहाँ हम लोग ने अनुरोध किया है जनता से कि वहाँ नहीं जाए। जहाँ हम लोग व्यवस्था किए हैं, जहाँ बैरिकेडिंग की गई है, उन्हीं छठ घाटों पर ही आप छठ व्रत करें, बाकी जगहों पर नहीं जाएँ। इसलिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं सभी आम जनता से। धन्यवाद।